दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली के दमदार धुरंधर दिखा रहे थे अपना दम, लेकिन मयंक अग्रवाल ने कहा, बेटा रुको जरा, इतनी जल्दी भी क्या है, अभी विकेट पे खड़े हैं हम और हम किसी से नहीं है कम। कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन मजेदार है, तो शुरू से शुरू करते हैं। टॉस जीता किंग्स इलेवन पंजाब ने और इन्वाइट किया दिल्ली को, कहा आइए पहले हम करेंगे आपका स्वागत, और किया भी। दिल्ली के टॉप ऑर्डर को पंजाब के गेंदबाजों ने चरमरा के रख दिया। टॉप थ्री ने तो डबल डिजिट का स्कोर तक पार नहीं किया, लेकिन उसके बाद पारी को थोड़ा बहुत संभाला कप्तान अय्यर और ऋषभ पंत ने। इनके जीतोड़ कोशिशों के बावजूद भी बात कुछ खास बनी नहीं। 14 ओवर में 86 रन पर 4 विकेट थे, लग रहा था कि फाइटिंग टोटल भी खड़ा नहीं कर पाएगी दिल्ली की टीम, लेकिन तब एंट्री होती है स्टाइलिश स्टोनिस की और उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। स्टोनिस ने आते ही तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक हैरत अंगेज शॉट्स लगाए। मजा तो तब आया जब लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम 150 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। 19 ओवर में सिर्फ 127 रन बने थे, फिर स्टोनिस ने अपना गियर चेंज किया। आखिरी ओवर में क्रिस जॉर्डन को टारगेट करते हुए 30 रन ठोक डाले, जिसके बाद स्कोर पहुंच गया 157, जो कि इस पिच पर सम्मानजनक स्कोर होने के साथ साथ एक फाइटिंग टोटल भी था। अब बारी थी किंग्स इलेवन पंजाब की, 158 रन का टारगेट था। जिस तरह की पंजाब की बल्लेबाजी है उसे देखकर तो यही लग रहा था कि पंजाब आसानी से यह मुकाबला जीत जाएगी। पंजाब की उम्मीदों पर पानी फेरा दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों ने, किंग्स इलेवन पंजाब के मजबूत और खतरनाक बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। 30 रन पर एक विकेट गिरा, उसके बाद 55 पे 5 हो गए। इस आंकड़े तक पहुंचाने में रविचंद्रन अश्विन का अहम योगदान रहा। एक ओवर की गेंदबाजी में मैक्सवेल और नायर समेत दो प्रमुख विकेट उड़ा डाले। उसके बाद एक बुरी घटना घटी, रविचंद्रन अश्विन चोटिल हो गए और मैच से बाहर हो गए। उनके अधूरे काम को पूरा किया रबाड़ा और स्टोनिस ने। सब कुछ दिल्ली के फेवर में चल रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी वॉल बनके खड़ा था जिसका नाम था मयंक अग्रवाल। किसी को उम्मीद तक नहीं थी कि किंग्स इलेवन पंजाब फाइट भी कर पाएगी, लेकिन मयंक अग्रवाल ने जिस तरीके से बैटिंग की वो वाकई में काबिले तारीफ था। 60 गेंदों में 7 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों के साथ 89 रन बनाए, मैच को अंत तक लेकर गए। लगा था कि किंग्स इलेवन पंजाब जीत जाएगी। 12 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में, पहली गेंद पर छक्का लगाया, उसके बाद आखिरी के 3 गेंदों पर 1 रन चाहिए था और ऐसा लग रहा था कि अब जीत पंजाब के द्वार पर खड़ी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भैया यह क्रिकेट है और क्रिकेट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आखिरी के 3 गेंदों पर 1 रन भी नहीं बना, साथ ही साथ 2 विकेट भी गिर गया। मतलब कि आईपीएल 2020 का पहला सुपर ओवर हमें दूसरे मुकाबले में ही देखने को मिल गया। सुपर ओवर को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, लेकिन इस एक्साइटमेंट को कबाड़ा कर दिया रबाड़ा ने। जी हां, सिर्फ 2 रन पर पंजाब के बल्लेबाजों को रोक दिया। अब 3 रन का टारगेट था, ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज दिल्ली के पास मौजूद थे। जीत एकदम से तय थी और हुई भी, सिर्फ 3 गेंदों में ही दिल्ली ने मैच को जीत लिया। अगर बात करें गेम चेंजर की, तो मेरे अकॉर्डिंग मयंक अग्रवाल जो है वो गेम चेंजर थे इस मैच के, क्योंकि अगर वो आउट हो गए होते तो ना ही ये मैच इतना जबरदस्त होता और ना ही आखिरी तक जाता और ना ही सुपर ओवर देखने को मिलता। तो मेरे अनुसार मयंक अग्रवाल इस मैच के गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है, आपके अनुसार इस मैच का गेम चेंजर कौन है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैन ऑफ द मैच रहे स्टाइलिश स्टोनिस, जिन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 7 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाए, साथ ही साथ 2 विकेट भी लिया। 3 गेंदों पर 1 रन डिफेंड भी किया और उस दौरान 2 विकेट लिया। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपको स्टोनिस की बल्लेबाजी, ओवरऑल प्रदर्शन, साथ ही साथ उनकी गेंदबाजी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से दिल्ली के दमदार धुरंधरों ने अपना दम दिखाते हुए पंजाब के किंग्स को धूल चटाया और आईपीएल 2020 में एक शानदार आगाज किया। जीत चाहे किसी की भी हो, लेकिन जब मुकाबला इस प्रकार का होता है तो हर एक क्रिकेट फैंस का दिल खुश हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही मुकाबला कांटे का, सांसें रोक देने वाला, दिल दहला देने वाला हमें आगे भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हम क्रिकेट की बातें करते रहते हैं।